सो एलेवन और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये चाबी हमारी बिलोंग करती है इस प्रोडक्ट को। ये आपके सामने महिंद्रा थार है। प्रोडक्ट मतलब ऐसे नहीं है कि कोई ज़्यादा मैं एक्सक्लूसिव चीज़ आपके लिए लेके आऊँ, बट एक चीज़ इसमें आपको रात मिलेगी कि महिंद्रा ने भी इस चीज़ पर ध्यान दे लिया भाई। पहली बात, ये रियल 4x4 है, ये कोई स्टिकर वगैरह नहीं है। और दूसरा, ये व्हाइट कलर आपको 4x4 में ऑफिशियली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको रियर व्हील ड्राइव में मिलेगा। और एक चीज़ और करिए महिंद्रा ने, जो बंदे ऐसा 4x2 लेके उस पर 4x4 का स्टिकर लगवा रहे थे, तो एक चीज़ और कर दी है। अब जो रियर व्हील ड्राइव थार आएगी, यहाँ पे RWD की बैजिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वो भी जल्दी अगर गाड़ी अवेलेबल होती है तो वो आपको जरूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से और कहाँ पे वो मार्क दिया हुआ है। तो रियर व्हील ड्राइव का अलग से मार्क आएगा अब जो 4x2 थार आएगी। पर ये आपके सामने रियल 4x4 खड़ी है और ये व्हाइट कलर में है। ये कोई रैप वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो। नंबर प्लेट भी नहीं है गाड़ी के ऊपर, शोरूम डीलरशिप में खड़ी हुई है गाड़ी फिलहाल। और मैं आपको अंदर से दिखा भी देता हूँ। ये देखो, कभी ये सोचो भाई एंड में जाके कोई राज खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हो 4x2 4x4, और ये अपना जो सेकंड गियर लीवर है बेसिकली वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो 2023 में कुछ चीज़ें बदली हैं, नहीं बदली हैं क्या? जस्ट ये कलर के साथ 4x4 का मार्क आ गया, फिर 4x4 थार के साथ वाइट कलर आ गया। तो क्या चीज़ें रहने वाली हैं इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये आपके सामने खड़ी हुई है थार, LX वेरिएंट है और इसका हार्ड टॉप वेरिएंट है और ये पेट्रोल ऑटोमेटिक है। और कीमत की बात करते हैं तो 16,10,000 एक शोरूम आपको कॉस्ट करती है ये। और उस प्राइस पॉइंट पर क्या क्या चीज़ आपको ऑफर कर देती है वो बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चाबियाँ हैं इसकी, ये इसकी मेन की है जो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है और यहाँ से अपना ये बजर वाली बटन आपको मिल जाती है। और अभी गर्मी बहुत हो रही है तो इसका अगर आधा पार्ट आपको अंदर देखने के लिए मिले तो भाई हैरान मत होना, गाड़ी अभी अंदर ही लगेगी तो वो थोड़ा ज़्यादा पीसफुल रहेगा मेरे लिए भी, क्योंकि धूप आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त पड़ रही है। तो ये है इसकी चाबियाँ। और अभी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से क्या क्या आपको ऑफर करती है, बाकी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही चमचमाती हुई रहे। 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ भाई इस वीडियो के लिए आपके लिए कि भाई ये धुल के आए, ताकि आपको उसका जो व्हाइट कलर है वो एक्चुअल में समझ में आए कि क्या स्पार्कलिंग लग रहा है। और अलग से स्टैंड आउट कर रही है देखो व्हाइट कलर में। कुछ एक्सेसरीज भी लगी हुई हैं जैसे कि ग्रिल वगैरह आप देख सकते हो, उनकी बात करेंगे आगे। अभी पॉकेट में रख लेते हैं चाबी को और प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। ये है इसके डायमेंशन वगैरह देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और फ्रंट से देखोगे तो ये जो ग्रिल चेंज हुई है उसकी वजह से जो स्टांस निकल के आ रहा है वो कुछ ज़्यादा ही माइंड ब्लोइंग। मतलब व्हाइट के ऊपर एक ग्लॉसी ब्लैक जो ग्रिल है बहुत शानदार लग रही है। हैलोजन बेस अपना वही सेम बल्ब यहाँ पे देखने को मिलते हैं हेडलैम्प यूनिट के अंदर। थार यहाँ पे मेंशन है फ्रंट बम्पर के ऊपर। इसकी DRS टाइप आप कह सकते हो इंडिकेटर्स जो कि हैलोजन बेस है। अगेन यहाँ पे फॉग लैंप्स भी आते हैं जो कि हैलोजन बेस ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। बम्पर पूरा कुछ इस तरीके से रहने वाला है आप देख सकते हो। और व्हाइट कलर में प्रेजेंस देखना क्या गजब की लग रही है यार। और साइड में आते हैं, साइड में देखो तो क्लैडिंग वगैरह जो है ये एक्सेसरीज का ही पार्ट है आई थिंक, जी हाँ शायद से। तो ये चीज़ें जो हैं अलग से लगी हुई हैं। और वॉशर्स वगैरह हैं, ये वाइपर वगैरह हैं। यहाँ पे लेफ्ट फेंडर की प्लेसमेंट है और यहाँ से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पेट्रोल वाली थार है। यहाँ पे एम्स्टिलन 150 जो लिखा हुआ है TGDI, तो ये पेट्रोल इंजन के साथ है ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक का मार्क भी आपको पीछे मिल जाएगा तो वो चीज़ भी है। तो ये है, और जो ये साइड फेंडर है इसी पे यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट है। टायर्स वगैरह जो है MRF के मिलते हैं, 80 टायर्स हैं ये। और टायर सेक्शन की बात करें तो 255, 65, R18, 18 इंच के कुछ ऐसे आएंगे अलॉय व्हील्स। आगे डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक्स आपको मिलेंगी। फुटरेस्ट वगैरह आता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती है। क्या मस्त लग रही है यार, मतलब अटेंशन ग्रैब कर रही है व्हाइट कलर में। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये लॉन्च हुई थी तो उस टाइम इसके अंदर व्हाइट कलर नहीं था, बट जब से कंपनी ने दिया तो ब्लैक को, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ब्लैक से लाख गुना बेहतर लग रही है व्हाइट के अंदर। क्या चमक रही है और मस्त एकदम देखना, पूरा बॉक्सी डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। काफ़ी बड़े बड़े से ORIONs मिलते हैं, यहाँ पे भी थार लिखा हुआ मिलता है। ये अपना एक्सेसरीज का पार्ट है। मैट ब्लैक डोर हैंडल्स आते हैं। फुटरेस्ट मैंने आपको दिखा दिया, ये आता है, ये कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है। और यहाँ से डलेगा पेट्रोल लेफ्ट साइड से और ये चाबी से खुलता है। इसके अंदर अभी तक वो चीज़ नहीं आई है जो आप अंदर से खोल सको, तो उतर के ये आपको चाबी देनी पड़ेगी पेट्रोल पंप वाले भैया को, वही खोल के देंगे आपको ये, और वही फिर अपने आप करके लॉक करके वापस आपको चाबी रिटर्न कर देंगे जब पेट्रोल डल जाएगा। पूरा हार्ड टॉप है तो ये भी पूरा मैट फिनिश में आपको देखने के लिए मिलता है एकदम मस्त। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, काफ़ी बड़ी बड़ी सी विंडोज़ हैं। और ये 2-डोर कार है एक्चुअल में, तो वो चीज़ अलग है। अभी 5-डोर वर्जन भी इसका आने वाला है बहुत जल्दी, अपडेट रहना आप। और यहाँ पर डिफॉगर है, स्टॉप लैंप है, और यहाँ कोई वाइपर वगैरह नहीं है। और अच्छा खासा पीछे स्पेयर व्हील देखने को मिलता है जो कि फुल साइज अलॉय है अपना, सेम 18 इंच की प्रोफाइल के साथ और सेम टायर कंपनी और 80 टायर है। ये कुछ इस तरीके मिलते हैं अपना रेयर टेल लैम्प्स। और ये ग्लॉसी ब्लैक जो गार्निश है ये अपना एक्सेसरीज का पार्ट है। ऑटोमेटिक का मार्क यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हो, उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। डीजल हो पेट्रोल हो ऑटोमेटिक होगी तो उसका मार्क यहाँ पे मिलेगा। रिफ्लेक्टर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं, और ये कैमरा यहाँ पे देख रहे हो, ये आई थिंक एक्सेसरीज का पार्ट है। और पीछे से कुछ ऐसी दिखती है ये। और अभी पीछे की स्पेस वगैरह दिखा देते हैं।
तो ये देख लो पीछे डोर लिवर मिल जाता है आपको, और ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है अपना पीछे का जो टेल गेट है, और ये शीशा भी जो है ये ऊपर हो जाता है कुछ इस तरीके से। और ये आप वायर देख सकते हो अपने जो डिफॉगर है उसका जो वायर है वो आपको यहाँ पे देखने मिलता है, स्टॉप लैंप वगैरह है, मिनिमल से स्पेस मिल जाता है, छोटे मोटे बैग आपके आ जाएंगे। और अभी इसे कर देते हैं बंद, और ये लो जी ओवरऑल शानदार लग रही है, मतलब खड़ी है तो दिख रहा है कि भाई कोई तो प्रोडक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। और अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और अभी बातचीत करते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये देख लो यहाँ पे एज इट इज़ सारी चीज़ें हैं, काफ़ी रफ टफ सा प्रोडक्ट है तो सारी चीज़ें आपको रफ टफ ही फील होंगी। और स्ट्रिप्स वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं बिल्कुल ओल्ड स्कूल चार्म, ORMs के यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, थार की यहाँ पे बैजिंग आपको देखने को मिलती है, अंदर भी बोतल होल्डर है, इसके अपडेट्स वगैरह जो है ये आई थिंक एक्सेसरीज का पार्ट है। सीट्स की बात करते हैं तो ये देखो आप इसके लेआउट्स देखो आप क्या जबरदस्त का, मतलब ये कुशनिंग वगैरह जो है शानदार एकदम। थोड़े हैवी हो तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, बट मेरे जैसे हल्के हल्के से 5-9 के आसपास हाइट है तो आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठे हुए। 6-way मैनुअल एडजस्टेड सीट मिलती है, मतलब हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाती है। ये अपने यहाँ जो बीच क्लस्टर के अंदर जो MID मिलती है इसके कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, एड स्टार्ट स्टॉप वाली बटन है और लाइट लेवलिंग डायल है, ऑटोमेटिक है तो दो ही पैडल्स हैं, और जो बोनट खोलने के लिए लेवर है वो आपको मिलता है ये रहा यहाँ पे नीचे की साइड। तो ये है, और अभी चलते हैं अंदर और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि अंदर से प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या फील कराता है। तो भाई बस फीलिंग के ही पैसे हैं, मतलब अभी नॉर्मली बैठा हूँ देखो फिर भी बोनट मुझे क्लियर दिख रहा है कि भाई ये आगे से तो नहीं लगेगी कहीं पे, मतलब एकदम एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इतनी दूर और है किसी सामने वाले प्रोडक्ट से। तो ये है मेरा व्यूइंग एंगल, और थोड़ी हाइट और ऊपर कर लूँ सीट की तो फिर आप समझ सकते हो भाई क्या ही मज़ा आएगा इसके अंदर। थोड़ी पीछे कर लेता हूँ इसे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और मैंने बोला था ना कि गाड़ी अंदर लग जाएगी तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, तो अभी गाड़ी अंदर लग चुकी है तो बाहर से बेटर है। तो अभी ये चाबी है इसकी और ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ से डले की चाबी, और इसके चारों तरफ आपको ये लाइट भी देखने के लिए मिलती है। एक बार ऑन करोगे स्टेयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो चुका है, ब्लोअर वगैरह जो है ये ऑन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, और ये यहाँ पे ऑन नहीं होता है, इसे आप ऑन करने के लिए आपको ये एक बार और घुमानी पड़ेगी चाबी, ये लो कुछ इस तरीके से। 7000 तक यहाँ पे RPM है, 180 की टॉप स्पीड मार्किंग है, बीच में एक MID मिलती है जिसमें गाड़ी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, आप देख सकते हो स्टेयरिंग भी इधर उधर रोटेट हो रहा है तो वो चीज़ भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। P यहाँ पे बना रहा है क्योंकि ये ऑटोमेटिक वाला वेरियंट है, जब D पे आएगी तो D हो जाएगा। फ्यूल टेम्परेचर वगैरह ट्रिप ए ऑडो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, और कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछ लेना कॉमेंट्स में। और यहाँ अपने वाइपर्स के कंट्रोल हैं, हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल, स्टेयरिंग व्हील कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। अभी मैंने थोड़ी सी चलाई यार, मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा हैवी सा फील हुआ स्टेयरिंग व्हील, मतलब बेसिकली जैसे महिंद्रा की जितनी गाड़ियां हैं उनके स्टेयरिंग व्हील बहुत लाइट है बट इसका थोड़ा सा हैवी है, तो थोड़ा वेट है इसमें तो थोड़ी एक्यूरेसी आपको ज़्यादा रहेगी। यहाँ अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल आता है, तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल सा फीचर है जो हर तरीके के वायर को अट्रैक्ट कर लेता है कि भाई ये जस्ट एक ऑफ रोडिंग व्हीकल नहीं है, आप इसे डेली बेसिस पे भी चला सकते हो। तो एक छोटे छोटे जो फीचर्स हैं ये थोड़ा बना देते हैं इसको अच्छा सा एक शानदार सा प्रोडक्ट। एयरबैग की बैजिंग है, दो एयरबैग भी आते हैं यहाँ पे, और इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो ये आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा आपको। डैशबोर्ड एक साइड दिखाता हूँ, ऊपर की साइड से देखोगे तो पूरा जितना भी हेडलाइनर तो इसमें चलो है नहीं, ये ऊपर का जितना ही पोर्शन है हार्ड टॉप है इसका, बट ये सब कुछ आपको ब्लैक कलर मिलता है, व्हाइट कलर की लाइट आती है यहाँ पे, स्पीकर ट्विटर सब ऊपर की साइड आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे वैनिटी मिरर है, और यहाँ मैनुअल डिमिंग IRVM है, और इधर की साइड आपको टिकट होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है। अभी सामने से लाइट आ रही है तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, ये देखो फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखो, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट सा डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे देखो आपको ये थार दिखेगी, दो कैमल्स दिखेंगे, मतलब वही ऑफ रोडिंग को और हर तरीके के टेरेन को डिनोट करती है ये चीज़ कि हाँ भाई ये रफ टफ प्रोडक्ट है, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो। टस्क इंफोटेनमेंट सिस्टम है, फिजिकल नॉब्स एंड बटन यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, AC वेंट्स हैं, कार्बन फाइबर जैसा टेक्सचर है, और ये AC के कंट्रोल्स हैं, मैनुअल AC है, अपना सीट बेल्ट रिमाइंडर है, और एयरबैग को अपना ऑन ऑफ भी आप यहाँ से कर सकते हो, हेजार्ड लाइट की बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ पे सेंटर लॉक आपको मिलता है, ऑक्स के लिए पोर्ट है, USB का पोर्ट है, 12 का चार्जिंग सॉकेट भी है। यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाती है, और ये देख लो ऑफिशियली और जेन्युइन 4x4 है भाई, ये ऐसा नहीं है कि व्हाइट कलर की रियर व्हील ड्राइव थार है और उस पर 4x4 का स्टिकर है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था। तो ये है 2H 2 4H और न्यूट्रल और 4 लो, तो ये यहाँ पे अलग से लेवर मिलता है, और ये है इसका ऑटोमेटिक गियर लेवर पूरा लेदर रैपिंग के साथ।
और शिफ्ट लॉक की बटन भी यहाँ पे है। दो पार विंडोज आते हैं तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये आई थिंक आर्मरेस्ट जो है ये एक्सेसरीज का पार्ट है इसके अंदर, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और इसी के अंदर है तो नहीं नहीं ये एक्सेसरीज का ही पार्ट है, बट प्लेसमेंट अच्छी की हुई है इसकी, बट उसकी वजह से कप होल्डर्स यहाँ से आपके यूज नहीं कर पाओगे आप, बट इसके अंदर स्पेस मिल जाती है फिर आपको और ये स्लाइड हो जाता है बढ़िया। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, आप समझोगे जब आप लंबे जब एक ट्रिप पे गाड़ी चलाओगे तो आपको समझ में आएगी कि हाथ दर्द करने लग जाता है, तो ये ऐसे रेस्ट पोजीशन में रहता है तो एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है। हैंड ब्रेक है यहाँ पे क्रोम टिप के साथ है, ग्रैब हैंडल है यहाँ पे, एक आपको प्लेट देखने के लिए मिलती है जिसपे ऑफिशियली महिंद्रा का मतलब ये थार का जो नंबर वगैरह है सीरियल नंबर वगैरह वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, एकदम ओल्ड स्कूल चार्म। छोटा सा ग्लो बॉक्स है, अपना पेपर वर्क जो आप इजिली रख सकते हो, और पीछे इसके अंदर आर्मरेस्ट वगैरह जो है रखे हुए मतलब लगे हुए सॉरी, तो ये चीजें हैं। और पीछे से आप देख लो कुछ इस तरीके की स्पेस है, आप देख लो ये टू डोर कार है, तो पीछे अगर चार बंदे हो ना आप इसके अंदर तो चार बंदे आराम से बैठ के चले जाओगे, ऐसा कोई पीछे ऐसा कोई सफोकेशन जैसा आपको फील नहीं होगा। ये रोल बार आप देख सकते हो, सीट बेल्ट्स भी हैं पीछे की साइड, और ये हैं सारी की सारी चीजें। और अभी चलते हैं बाहर और इसके इंजन कंपार्टमेंट को भी दिखाते हैं आपको कि पेट्रोल इंजन दिखता कैसा है और क्या पावर फैक्टर्स वगैरह है उसकी, और यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में। सो अभी बात करें इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में तो शायद ये आपको थोड़ा ज्यादा मजा दे, क्योंकि डीजल इंजन से थोड़ी पावर ज्यादा मिलती है इसमें। आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है 2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 150 bhp डेवलप करता है, 320 nm का टॉर्क जो है डेवलप करता है ये, 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है जिससे 8 से 10 के बीच की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और एक फायदा इसमें ये चीज भी है कि ये 15 साल चलेगी, और इसके अंदर एक वो झंझट भी नहीं है DEF वगैरह डालने का, तो ये कुछ सहूलियत भी है, और फिर एक लंबे टर्म तक भी आप इसे चला सकते हो। और फिर व्हाइट कलर में तो आप देख रहे हो मस्त लग रही है। और ये है पूरा इंजन कंपार्टमेंट, फ्लूइड्स वगैरह यहाँ पे हैं, बैटरी है एमरॉन की, और ये हॉर्न है इसका पॉप करने के लिए, और ये है पूरा इंजन कंपार्टमेंट। और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं एक सेकंड में। सो ये थी आपके सामने महिंद्रा थार 4x4 पेट्रोल ऑटोमेटिक, और ये व्हाइट कलर में है, तो अब आपको ऐसा रैप रूप कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी 4x4 थार के ऊपर, ये ऑफिशियली व्हाइट कलर में आती है अब। तो आप अगर प्लान कर रहे हो व्हाइट कलर की थार 4x4 में तो ये कुछ इस तरीके के प्रोफाइल और जो फीचर्स वगैरह हैं कुछ इस तरीके से आपके हाथ में लगेंगे। तो बताना ये प्रोडक्ट कैसा लगा आपको, और प्रोडक्ट तो वैसे है ही शानदार, बहुत सारे यंगस्टर जो हैं बहुत सारे नौजवानों की ये पसंद है पहली पसंद, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसको पसंद करने वाले कौन कौन है, हर बंदा पसंद करता है इस गाड़ी को। बाकी वीडियो कैसी लगी और ये कलर कैसा सूट कर रहा है इसके ऊपर बताना, और हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।